हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स में। तो आज की वीडियो में मैं आपको पेपर प्लेट से वाइल्ड एनिमल्स बनाना सिखाऊंगी। स्क्रीन पे कम सामान मैंने इसलिए शो किया है, ज्यादा सामान देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये अरेंज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मटेरियल की डिटेल में वीडियो बनाते बनाते आपको दे दूंगी। साथ ही अगर आप वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई भी स्टेप्स मिस ना हो, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक विदाउट भगाते भगाते नहीं देखना है, ठीक से आराम आराम से एक एक चीज देखनी है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको एक प्लेन व्हाइट प्लेट दिखाई है, उसको मैंने येलो और ऑरेंज कलर से कलर कर लिया है। तो आप इसे फैब्रिक कलर से भी कर सकते हैं, पोस्टर कलर से भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपके पास है उस कलर उससे आप प्लेट को कलर कर सकते हैं। तो हम इस ऑरेंज प्लेट से लेपर्ड बनाएंगे और ये सॉरी इस येलो प्लेट से हम लेपर्ड बनाएंगे, ऑरेंज वाली प्लेट से टाइगर और इस व्हाइट वाली प्लेट से ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल। आई होप आपके दिमाग में जो आया है वही एनिमल यानी जेब्रा को हम बनाने जा रहे हैं। साथ ही मुझे मटेरियल में फेविकॉल, परमानेंट मार्कर, सीजर, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं ये येलो प्लेट, येलो पेपर, मार्कर, पेंसिल के साथ रेडी हूँ। सबसे पहले हम लेपर्ड बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें इस पेपर से ईयर्स बनाने हैं लेपर्ड के, तो मैंने एक साथ दो काटने के लिए इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओवल शेप मतलब सेमी ओवल में ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर लेंगे। और इसके हाफ पोर्शन को मैं ब्लैक कलर से कलर कर दूंगी। आप यहां पे ब्लैक पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं बट कलर करना थोड़ा सा इजी है। और इस तरफ अपोजिट साइड से तो फ्रेंड्स ये ईयर्स जो हैं वो हमने इतने रेडी कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साथ साथ पेस्ट भी करती चली जाती हूँ ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कैसा हमारा ये लेपर्ड बन रहा है। मैंने अभी यहाँ पर ये ब्लैक पेपर लिया, इसको मैं एक साइड कर दे रही हूँ। यहाँ ब्लैक पेपर लिया है मैंने और ब्लैक पेपर से कुछ छोटे और कुछ बड़े सर्कल्स हम बनाएंगे। आप किसी कैप को भी ट्रेस कर सकते हैं बट मैं रफली बना रही हूँ, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, इसी तरीके से हम इसको बना के कट कर लेंगे। अब हम इन सबको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारे छोटे बड़े सर्कल्स को कट कर लिया है। अब मैं रैंडमली कहीं कहीं पे फेविकॉल लगा दे रही हूं ताकि मैं इसको पेस्ट कर सकूं जितने भी सर्कल्स मैंने बनाए हैं। तो यहां पर आपको जैसे अच्छे लग रहे हैं, आप छोटे बड़े जिस तरीके से भी आप लगाना चाहते हैं उस तरीके से आप सर्कल्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने रैंडमली पेस्ट कर दो। यहाँ आईज के लिए भी मैंने यहाँ पर फेविकोल लगाया है और यहाँ पर मैंने ये आईज कट करी है। ये बहुत ही सिंपल है कट करने में, तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रही हूँ। आपके पास अगर गुगली आईज हो तो आप गुगली आईज का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी आईज, साथ ही मैं यहाँ पर नोज बना रही हूँ। आप पेपर से कट करके भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेपर्ड बन गया, इसको मैं एक साइड रख दे रही हूँ। अब मैं अपनी ऑरेंज कलर की प्लेट ले लेती हूँ और अब मैं आपको टाइगर बनाना सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स टाइगर के लिए मैंने ऑरेंज पेपर लिया है इसके ईयर्स को बनाने के लिए। अगेन मैंने इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है
और मैं यहाँ पर टाइगर के ईयर्स को ऐसे बना लिया है, इसको मैं कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने ईयर्स को बना लिया है, अब इसको भी इसका भी हम हाफ पोर्शन को ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे और इस तरफ ऑपोजिट साइड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसको फेविकोल लगा के पेस्ट कर लेती हूँ। ईयर्स को पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है और ब्लैक पेपर को मैं इसे फोल्ड करूंगी। आप चाहे तो इसको स्केच पेन से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम वी शेप कट करेंगे। कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से हम और भी कट कर लेंगे। इसमें मैं सबसे पहले फीचर्स बनाती हूँ आईज के। आईज के लिए मैंने ओवल शेप की कटआउट ले लिए थे। तो ये आईज बन गया सबसे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर नोज बना रही हूँ पहले। अपने टाइगर को हम कंप्लीट करेंगे स्ट्रिप्स के साथ। तो मैं यहाँ पर फेविकॉल लगा रही हूँ सबसे पहले एक स्ट्रिप पे। इस तरीके से हम स्ट्रिप्स इसको पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा टाइगर रेडी हो गया है। आई डोंट थिंक सो कि इसे बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सिंपल हमें लंबे लंबे ट्राइंगल्स कट करने हैं, तो हम सेम ट्राइंगल्स हम जेब्रा बनाने के लिए भी कट करेंगे सेम नंबर्स में। तो चलिए अब हम जेब्रा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा जेब्रा रेडी हो गया। मैंने सेम जैसे पहले ईयर्स कट किए थे वैसे ईयर्स कट करके यहाँ अंदर ब्लैक मार्कर फिल कर दिए ब्लैक कलर से, और जैसे हमने टाइगर के लिए स्ट्रिप्स कट करी थी वैसे स्ट्रिप्स यहाँ पे भी कट करके पेस्ट कर दिए। एक बड़ा सा ओवल शेप यहाँ पे लगा लिया है और यहाँ मैंने नोज बनाया है। एक स्माइली आप पेंट कलर से बना सकते हैं क्योंकि ब्लैक पे कोई और मार्कर्स विजिबल नहीं होते एक्सपेक्ट सिवाय व्हाइट कलर के। तो देखिए हमारा जेब्रा रेडी है, जेब्रा भी रेडी है, हमारा टाइगर भी रेडी है, हमारा लेपर्ड भी रेडी है। तो देखिए मैंने अपने रूम में इसको लगा लिया है, लग रहा है ना प्यारा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको बहुत आसान और अच्छे तरीके से बताने की। स्टिल अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।